क्वेस्ट फाउंडेशन प्रेजेंट्स मैगजीन माँ स्वामिनी प्रेरणा, एडिटर श्री अजय शेठ। थीम ऑफ दिस करंट इश्यू इज दिव्यांगजन संवेदना अने पड़कारनी दुनिया। दिव्यांगजन संवेदना और चुनौतियों की दुनिया। दिव्यांगजन अ वर्ल्ड ऑफ सेंसेशंस एंड चैलेंजेस। जुलाई ऑगस्ट 2023, वॉल्यूम नंबर 3, इश्यू नंबर 15। विद दिस स्पेशल एडिशन वी प्रोवाइड एन इनसाइडर व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिव्यांगजन, द स्पेशली एबल्ड। लेट अस टुगेदर अंडरस्टैंड द सेंसेशंस एंड चैलेंजेस फ्रॉम देयर साइड ऑफ द स्टोरी। या देही का गर्व ना कीजिए। लेखक अव्यक्त। महाभारत के वन पर्व के 132वें अध्याय से लेकर 134वें अध्याय तक में अष्टावक्र की कथा आती है। वे 8 अंगों से टेढ़े तो थे किंतु महाज्ञानी थे। राजा जनक के दरबार में आचार्य बंदी के साथ उनके शास्त्र की कथा प्रचलित है। जब वे शास्त्रार्थ के लिए गए तो दरबारी उनकी विकलांगता का मजाक उड़ाने लगे, ठहाके लगाकर हंसने लगे। दिव्यांगों के प्रति आज भी कहीं कहीं ऐसी असंवेदनशीलता देखने को मिलती है। इस पर अष्टावक्र ने शांत रहकर और मुस्कुराकर किंतु दृढ़ता से राजा सहित सभी दरबारियों को सद्ज्ञान का उपदेश दिया। पूछा कि क्या तुम देह हो या आत्मा हो या ब्रह्म हो, अनेक हो या एक ही हो, साक्षी हो, दृष्टा हो, क्या हो, इस पर विचार तो करो। बाद में अष्टावक्र गीता के नाम से उनकी वाणी मिलती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये वही अष्टावक्र है या कोई अन्य ऋषि है। इसमें गुरु अष्टावक्र के मुख से शिष्यों को अद्वैत दर्शन का उपदेश किया गया है। अष्टावक्र गीता में अद्वैत वेदांत की सरल और सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और विशेषकर देहाभिमान को लेकर इसमें साधकों को बहुत झकझोड़ने वाली बातें कही गई हैं। हम देह को लेकर कोई श्रेष्ठता का भाव ना पाले। इसी तरह यदि किसी भी कारण से उसमें कोई निशक्तता या विकलता आ गई हो तो हीनता का भाव भी ना पाले। हमें तो देह भाव मात्र से मुक्त होना है। देह चाहे जैसी भी हो, उसे भक्ति, साधना और मुक्ति का साधन बनाना है। इसके चौथे श्लोक में सद्गुरु अष्टावक्र का उपदेश है, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम देह का अभिमान छोड़ दो और अपने चेतन स्वरूप में विश्राम पूर्वक स्थित हो जाओ तो इसी समय सुखी और शांत हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। दिव्यांगों के साथ अपने व्यवहार के प्रति सदा सजग रहना है। उनको देखकर सहानुभूति का भाव आवे भी तो उसका ऐसा अतिरेक पूर्ण प्रदर्शन नहीं करना है जिससे उन्हें अपनी बेचारगी का या हीनता का एहसास हो। हमें तो सबके प्रति समान रूप से प्रेम और करुणा का भाव रखना है। सर्व जीवों की एकता साधनी है। हमारा अपना देहाभिमान जब गलित होने लगता है तभी हम में सबके प्रति सच्चा प्रेम जागता है, सच्ची करुणा जागती है। यह अनुभूति एकदम प्रमाणित है। ऐसा सात्विक जीवन साधना के प्रयोगों में स्वतः प्रमाणित होता दिखेगा। देहाभिमान हमें अन्य मनुष्यों और जीवों से विलग कर देता है। ऐसे में हम जगत में जीवों के अन्योन्याश्रयी संबंधों को समग्रता में नहीं समझ पाते हैं। किसी को बड़ा और किसी को छोटा समझने लगते हैं, किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन समझने लगते हैं। फिर हृदय में सबके प्रति कृतज्ञता के भाव कैसे पैदा होंगे? परमार्थिकता की भावना का उदय फिर कैसे हो? जनसेवा को फिर हम हरी सेवा मानकर कैसे कर पाएंगे? सर्वत्र हरि दर्शन से ही तो वह संभव है। हम सभी मनुष्य और जीव अपने अपने स्तर पर विशेष हैं। एकत्व के बावजूद अद्वितीयता ही हमारी अपनी अपनी यात्राओं को विशेष बनाती है। तो हम सभी किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग हैं। बालक एक प्रकार से दिव्यांग है तो वृद्ध दूसरे प्रकार से। लेकिन चैतसिक दृष्टि से हम सभी दिव्यांग वास्तविक दिव्यता की संभावनाओं से युक्त है। इसलिए दिव्यांगों को समान रूप से सक्षम समझकर ही हमें एक साथ आगे बढ़ना है। उनके लिए जो सेवा बन सके वो करना है।
उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए बिना किसी प्रचार की विशेष सुविधाओं का इंतजाम करना है। समाज के हर उत्सव और अभियान में उनका बराबरी से समावेश करना है। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने देना है कि वे किसी भी भांति हमसे अलग हैं या बेबस लाचार आदि हैं। यदि हमारी सच्ची सेवा होगी, उनके साथ व्यवहार में हमारी देह भाषा, हमारी बोली, हमारे शब्दों का चयन, हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि, सब कुछ इतनी सहजता से भरी होनी चाहिए जिससे कि उन्हें उनकी किन्हीं समस्याओं अथवा सीमाओं का एहसास ही ना हो। उनके सामने अपने शारीरिक सौष्ठव, देह यष्टि अथवा रूप सौंदर्य आदि का अनर्गल प्रदर्शन भी नहीं करना है। अभी तो सारे सिनेमा, विज्ञापन, खेल, नाच गाना आदि पशुबल और देहादि के प्रदर्शन पर ही आधारित हो गए लगते हैं। कॉमेडी शोज या स्टैंड अप कॉमेडी आदि में भी दिव्यांगों की बॉडी शेमिंग करने वाले चुटकुले और मजाक इतने स्वीकार्य हो गए लगते हैं कि मानो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं बचा कि भाई जरा ये भी तो सोचो कि ये क्या कह रहे हो या क्या कर रहे हो। सुना है कि वेब सीरीज आदि में इन पर आधारित गालियां भी लोकप्रिय हो गई हैं। दिव्यांगों के कैरेक्टर्स को इतना हास्यास्पद बनाया जाता है कि उनके प्रति संवेदनाएं बढ़ने की जगह और घटती जाएं। इन सब के बारे में गृहस्थों को और व्यवस्थापकों को सोचना चाहिए, बिना देरी के समुचित कदम उठाने चाहिए। परिवार के भीतर और बाहर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम और हमारी संतानें इस विषय में जागरूक, संवेदनशील और सेवाभावी बने। संतों की दृष्टि में मानुष देह की महिमा इसके पशुबल या रूप सौंदर्य आदि को लेकर नहीं है, फिर तो हाथी, सांड, गेंडे, अजगर और व्हेल की महिमा मनुष्य से अधिक होती, फिर तो रंग बिरंगे पक्षियों की महिमा भी मनुष्यों से अधिक होती। मानुष जन्म की महिमा इसे प्राप्त विवेक शक्ति, विचार और चिंतन की शक्ति, वैज्ञानिक खोज और प्रयोग की शक्ति, संयम और साधना की शक्ति की वजह से है, भक्ति और मुक्ति की संभावनाओं की वजह से है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्य जीवों को कम करके आंके, लेकिन मनुष्य जन्म मुक्ति की संभावनाओं की दृष्टि से विशेष है और इस विशेषता का सच्चा कल्याणकारी लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब हम शारीरिक स्तर के देहाभिमान से मुक्त होंगे। संत कबीर की वाणी है, साधो यह तन ठाठ तंबूरे का, पांच तत्व का बना है तंबूरा, तार लगा है नौ तूरे का, ऐंचत तार मरोड़त खुंटी, निकसत राग हजूरे का, टूटा तार बिखर गई खुंटी, हो गया धूर मधुरे का, या देही का गर्व न कीजे, उड़ गया हंस तंबूरे का, कहे कबीर सुनो भई साधो, अगम पंथ कोई सुरे का। तो ना हमें देह का गर्व करना चाहिए और न ही इससे घृणा करनी है। ये एक सुंदर साधन मिला है सात्विक साधना का और सर्व जीवों की सर्वविधि सेवा का। शारीरिक रूप से प्रचलित परिभाषाओं के आधार पर जो दिव्यांग है वे भी मनुष्य मात्र होने की वजह से समान आध्यात्मिक संभावनाओं से युक्त हैं। इसलिए आरंभ में ही सद्गुरु अष्टावक्र का उदाहरण दिया गया। अतः दिव्यांगजनों के साथ पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार में इतना अवश्य ध्यान रहे जैसा संत कबीर कह गए हैं। कबीर गर्व न कीजिए, कबहू न हसिए कोए, आज हूं नाव समुद्र में, ना जानो क्या होए। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.